वेलकम बैक टू अंदर वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग, आए हो आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही शानदार WTF के बारे में बात करने वाले हैं, जो भी मतलब इस वीक के अंदर जो भी दुनिया भर में टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज घटित हुई उन सारी न्यूज के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, इस वीक का WTF गाइज। तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट है WTF का, तो आप लोग इसको भी थोड़ा बहुत प्यार देना, सपोर्ट करना इस एपिसोड सेकेंड एपिसोड को भी। तो आप लोगों भाई मतलब हर सप्ताह के सप्ताह अब आप लोगों के सामने ऐसा ही एक WTF वीडियो लाता रहेगा, जिसमें मतलब जो भी हफ्ते में जो भी चीज़ें घटित हुई टैक्स रिलेटेड उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टैक्स जब तक आप लोगों ने आ रही इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि इस चैनल में जब मैं जो भी टैक्स रिलेटेड न्यू वीडियो डालूँ उन सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो यार इस चैनल में जल्दी से एक ही ड्रीम है आप लोगों भाई का, इस चैनल में जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं गाइस, 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करते हैं। शुरू करते हैं आज की WTF को आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग अपने अपकमिंग S23 सीरीज को लेकर अभी चर्चा में हो रहा है गाइस। जो सैमसंग की S23 सीरीज है ये फरवरी के फर्स्ट में लॉन्च होने वाली है गाइस। सैमसंग के इन फ्लैगशिप स्मार्टफोन में आप लोगों को ऐसे ऐसे फीचर मिलने वाले हैं ना, जिससे आप लोग चांद तक जूम कर देख सकते हो और आप लोग तारे को भी जूम कर देख सकते हो। इसमें बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी का प्रयोग रहेगा अब की बार सैमसंग इन मोबाइल के कैमरा सेटअप में। जहाँ तक सैमसंग के र्यूमर्स निकल के आते हैं वहाँ तक सैमसंग अपने लैपटॉप्स को भी लॉन्च कर सकती है। जो सैमसंग का स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M54, उसके भी बहुत सारे लीक्स निकल के आ रहे हैं, तो ये भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है सैमसंग की तरफ से। अब बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। जो गूगल का Android 14 है उसके अंदर जो फालतू के ऐप्स है उनको सारों को हटाने वाली है गूगल। और गूगल Android 14 में जो मतलब लेटेस्ट ऐप है जो मतलब काम के ऐप है उनको ही ऐड करेगी इसके अंदर। और गूगल की तरफ से एक न्यूज और निकल के आती है, जो गूगल के गूगल फोटोज है उसमें आप लोग जैसे किसी भी फोटो को कैप्चर करोगे तो उसमें एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। उसमें जो रॉ फोटो है उसको अलग देखने को मिलेगा, आप लोगों को रॉ फोटो अलग देखने को मिलेगा, जो ओरिजिनल वाला फोटो है वो भी आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है गूगल की तरफ से गूगल फोटो के लिए। और दोस्तों अगला WTF हो जाता है एप्पल की तरफ। जो मतलब जो एप्पल के स्मार्टफोन इंडिया में बन रहे थे उनका मतलब इंडिया में से जो एप्पल के स्मार्टफोन बन रहे थे उनका 1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है अदर कंट्रीज में। भाई ये बहुत ही प्राउड की बात है इंडिया के लिए। और एप्पल की तरफ से एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिलने वाली है AR VR, जिसका नाम होने वाला है रियलिटी प्रो। इसमें आप लोग जो आप लोग अपनी आंखों से दुनिया को देखते हो उसमें आप लोग अपनी रियलिटी की सारी दुनिया को देख सकते हो। और जो iPhone 15 Pro लाइनअप है इसमें आप लोगों को जो बेजल्स है वो बहुत पतले देखने को मिलेंगे और जो और इस मोबाइल में आप लोगों को कर्व्ड एजेस देखने को मिलेंगे। अब बात कर ले गेमिंग के बारे में। जो चाइना के गेमर्स अपना फ्यूचर बनाने में लगे हुए थे गेमिंग के करियर में, उस चाइना में शट डाउन वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट को बैन कर दिया है चाइनीज गवर्नमेंट ने। और इसी बीच गेमिंग लवर के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज निकल के आती है। तो सोनी है वो अपने PlayStation 5 Pro को बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है, इसमें आने वाला है कूलिंग लिक्विड सिस्टम। अगली न्यूज निकल के आती है WhatsApp की तरफ से। जैसे आप लोग किसी को WhatsApp में फोटो सेंड करते हो तो उसकी मतलब जो क्वालिटी है फोटो की वो बहुत ही डाउन हो जाती है, उसके पिक्सल पूरे फट जाते हैं। वो अब इसको लेके एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आई है WhatsApp की तरफ से। जब आप लोग इसको फोटो को या किसी को भी चीज़ को शेयर करोगे किसी के साथ में तो इसकी क्वालिटी नहीं पटेगी गाइज। तो ये फीचर बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा WhatsApp के में। जो बहुत सारे लोग WhatsApp को यूज करते हैं डेली के लिए, उनका बिजनेस ही WhatsApp में चलता है, उनको भी किसी चीज़ को सर्च करने के लिए बहुत ही नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है सर्च करने के लिए। तो इसको में आप लोगों को एक सर्च के लिए एक ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग किसी भी चैट को फोटो को इनको सर्च करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोग लिख के सर्च कर सकते हो। दोस्तों अगला WTF हो जाता है ट्विटर और एलोन मस्क के बीच में। जो एलोन मस्क आप लोगों को ट्विटर में $8 में आप लोगों को एक ब्लूटूथ प्रोवाइड करा रहा था, उसमें आप लोगों को प्रीमियम चीज़ें खरीदने के लिए आप लोगों को अब और ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे ट्विटर को। न्यूज निकल के आती है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम में अब आप लोगों को क्विट मोड देखने को मिल जाता है। तो गाइज अगली न्यूज निकल के आती है भारत की तरफ से। तो जो IIT के छात्र हैं मद्रास में पढ़ते हैं उन्होंने मतलब एक अपना ही एक OS डेवलपमेंट कर लिया गाइज, उसका नाम रखा है BarOS। BarOS है उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट ऐप से वही चलेंगे इसमें। BarOS में मतलब सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा गाइज। तो गाइज इस वीक में मतलब टैक्स रिलेटेड चीज़ें घटित हुई थी। तो ये था आज का WTF। तो गाइज आई होप आप लोगों को आज का WTF
पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कुछ ऐसी टेक्स रिलेटेड न्यू वीडियो में, तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।